बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों के सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। सीएम जयराम ने गलोड में जनसभा को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री की चुनावी रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में BBAS से लेकर सेक्टर 2 के बस स्टैंड तक निकाला रोड शो। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया काफी उत्साह। कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप ने अलग अलग पंचायतों में किया चुनाव प्रचार। कहा इस बार जनता इतिहास रचेगी, जनता इस बार विकास की नई इबारत लिखने को तैयार। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अहम खबर से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गलौट में जनसभा को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री जहां स्थानीय भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, वहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ बता दें कि हजारों की तादाद में स्थानीय जनता मुख्यमंत्री का भाषण सुनने के लिए भी वहां पहुंची है। मिले उसके लिए रात दिन चिंता करते हुए आज गांव के गरीब व्यक्ति के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू हुई। इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य पिछले 5 सालों में चल रहे हैं या हो चुके हैं। कि मैं उन सारी बातों को कहूं तो बड़ा लंबा जिक्र जाता है, उसका मैं छोड़ देता हूं। सिविल हॉस्पिटल आपको दिया गया, सीवरेज की 19 करोड़ की स्कीम आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दी गई, ट्रांसपोर्ट नगर की बात थी 33 करोड़ रुपए उसके लिए प्रावधान करके काम की शुरुआत करने की दिशा में आगे बढ़े, और धौला सिद्ध का जो हमारा प्रोजेक्ट 763 करोड़ रुपए का जिसका जिक्र भाई विजय जी ने किया, ये कब काम शुरू की जो है नींव रखी गई, काम की शुरुआत हुई, तो ये भी मुझे लगता है कि विधायक महोदय को जानकारी होनी चाहिए, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आने की बात तो आप पहले भी कह रहे थे कि हम पंजाब में आ रहे हैं, चनी साहब आ रहे, नया नाम निकाला चनी साहब, कान खा लिए कुछ दिन और परिणाम निकला, पंजाब तो गया लेकिन चनी साहब दोनों जगह से चले गए। इस काम को आप करिए और मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ, विजय जी दूसरी बार हिमाचल की विधानसभा में पहुंचेंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूँ आपका सम्मान ऊंचा करेंगे, आपका संस्थान ऊंचा करेंगे, ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कोई कसर न छोड़िए, सरकार भाजपा की होगी, भाजपा की ही होगी, और भाजपा की सरकार में हमें विजय अग्निहोत्री जी यहाँ से चाहिए, उसके लिए आशीर्वाद दें। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पर कई जुबानी हमले उन्होंने किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश की जनता को कई गारंटियां दी जा रही हैं, लेकिन वह किसी भी हालात में पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में कई वर्षों तक कांग्रेस नहीं आने वाली है। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि कांग्रेस का हर नेता मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, स्वागत है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए। अब की बार ये कार्यक्रम विशुद्ध हमारा
इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है और उनकी ब्लेसिंग से हिमाचल प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उनके आशीर्वाद से, और अब की बार भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये इतिहास होगा जब हिमाचल प्रदेश में रिवाज जो है वो बदलेगा। देखिए पहले तो मुझे ही कहते थे कि हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, अब आजकल वो खुद भी घूम रहे हैं। मैं उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, करें ऐसा खर्च रही है ऐसा देखने में आया है, लेकिन फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे वो ज़मीन पर चले आसमान पर चले जहाँ भी चलना चलें, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कसुमटे विधानसभा क्षेत्र में पीबीएस को लेकर सेक्टर 2 के बस स्टैंड तक रोड शो निकाला है। रोड शो में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है और कार्यकर्ताओं का विशेष उत्साह उनमें दिखाई दिया है। जगत प्रकाश नड्डा के साथ कसुमटे के सुरेश भारद्वाज और उनके कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओपन जिप्सी में आए थे और सभी कार्यकर्ताओं के साथ न्यू शिमला में इस रोड शो में उन्होंने भाग लिया। कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह ने अलग अलग पंचायतों में चुनावी प्रचार किया है। लोगों का समर्थन देखकर बाबा हरदीप सिंह ने कहा कि इस बार जनता इतिहास रचेगी। कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बाबा का कहना है कि नालागढ़ की जनता इस बार विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि जनता से मिल रहे भारी जन समर्थन को देखकर विरोधी बौखला गए हैं और ऊंची राजनीति पर उतर आए हैं। इनके साथ आज हम लोगों ने सौरी भूमिया से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। डोर टू डोर तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि नुक्कड़ मीटिंगें का दौर जो है वो चला है, और सौरी भूमिया के बाद नीला नंगल, उपरला नंगल, उसके बाद गोलजमाला करते हुए अभी हम लोग जो है दोलोवाल में पहुँचे हैं। यहाँ से फिर जिड़ीवाला, भोगपुर, अदुवाल, कई जगह मजरी तक का आज प्रोग्राम है और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है पब्लिक का मिल रहा है। मैं अपने इलाके की सभी माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका प्यार, उनका आशीर्वाद और जो उनकी उम्मीद है मेरे ऊपर जो बनी है, मुझे आशा है कि उस उम्मीद को मैं आने वाले समय में जब विधानसभा पहुँचूँगा इनके आशीर्वाद से इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँगा। और क्षेत्र में आज जिस एक लहर तरह की बनने का मैं समझता हूँ बनने जा रही है, जैसे हिमाचल प्रदेश में लहर है, तो निश्चित तौर पर नालागढ़ से भी हम लोग जो है नालागढ़ की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे और यहाँ से बड़ी मतों मार्जिन से जो है यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीतेगा। आपका बहुत बहुत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा मिशन के लिए काम करती है और कांग्रेस कमीशन के लिए, भाजपा सेवा में तो कांग्रेस मेवा खाने में विश्वास रखती है। ये बात उन्होंने आज मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले संघोल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस इसलिए सत्ता में नहीं आना चाहते कि उन्हें जनता की सेवा करनी पड़ेगी, बल्कि वो तो इसलिए सत्ता में आना चाहते हैं क्योंकि वे बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये फर्क प्रदेश की जनता को समझना होगा क्योंकि वे वोट रजत के लिए नहीं बल्कि प्रदेश और देश के सह निर्माण के लिए होगी। उन्होंने कहा कि जब वीरभद्र सिंह सीएम थे तो उन्होंने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास को रोका, लेकिन मोदी के पीएम बनते ही प्रदेश को ये सौगात मिली है। इसलिए आप याद रखिए, हम सेवा करने वाले लोग हैं, वो मेवा खाने वाले लोग हैं। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन काम के लिए काम करते हैं। कितिए डुए कितिए वो इसके लिए काम करते हैं। उनको सत्ता में आने की जल्दी इसलिए नहीं है कि उन्होंने आपकी सेवा करनी है। बेचारे बेरोजगार है बहुत दिनों से, इसलिए तड़प हो। मैं सांसद बना, मैं दिल्ली गया, वहां एक वीरप्पा मोइली होते थे, पावर मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर। मैंने उनको कहा कि आप हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमको दो, आओ शिलान्यास करो।
ये वोट महेंद्र जी का नहीं है, ये वोट मेरा नहीं है, ये आपके हकों की रक्षा का वोट है, इसको आपको समझना होगा। मेरा सभी मतदाताओं से, मेरे भाई बहनों से, अपने नौजवान दोस्तों से, अब चुनाव के थोड़े से दिन बाकी बचे हैं, अब तो 4 तारीख हो गई, 6-10 तारीख में 6 दिन बाकी है, 6 दिन हम, 6 दिन हम पार्टी के लिए दें, और जो 2 दिन उसके बाद हैं, जब तक ला अंतिम वोट, अंतिम मतदाता अपना वोट डाल नहीं देता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है वो उस पोलिंग बूथ को ना छोड़े। एक एक मतदाता को, अगर कोई हमारे ऐसे वृद्ध मतदाता हैं, अंगहीन कोई ऐसे हैंडीकैप्ड मतदाता हैं, उनको उठा करके ला करके उनकी वोटें हर हालत में डलवानी है। हमने दोबारा से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और ठाकुर जयराम जी को दोबारा से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। बद्दी पुलिस ने बद्दी और नालागढ़ से 10 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 14.50 लाख कैश पकड़ा है। नाकाबंदी के दौरान व्यक्तियों से पकड़ा गया पैसा संतोषजनक से जवाब न मिलने पर सीज किया गया है, जिसे कि पुलिस ने चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम के पास जमा करवा दिया है। अब तक कुल 20 लाख रुपए कैश जब्त कर लिया गया है और बता दें कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए लगातार ही प्रशासन और पुलिस जुटी हुई है, ताकि पैसा, शराब और अन्य चीजों से मतदान प्रभावित ना किया जा सके। नालागढ़ के विभिन्न एरिया में नाकाबंदी के दौरान हुई कैश रिकवरी के बाद जब पुलिस ने व्यक्ति से पैसे का ब्यौरा मांगा तो वह बताने में असमर्थ रहा, जिससे अब पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। 4 लाख के नेतृत्व में बद्दी पुलिस ने जो है सारे जो हमारे 22 इंटरस्टेट नाकाज है उसमें जो है पुलिस की तैनाती की गई है और एसपी साहब ने समय समय पर निर्देश भी दिए हैं और सभी जो हमारे जितने भी हमारे गेस्टेड ऑफिसर है डीएसपी एडिशनल जो है वो समय समय पर सभी नाकों को चेक भी कर रहे हैं और सभी एसएचओ द्वारा भी नाकों की चेकिंग की जा रही है। तो जो लास्ट के जो हमारे 24 घंटे थे इसमें जो है सभी नाकों में जो नाकाबंदी की गई, साथ ही साथ जो विभिन्न विभिन्न जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज के बीच में जो एरियाज है वहाँ भी नाकाबंदी की गई। तो इसमें जो 6 केसेस में जो है जो डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन में हुए उसमें 20,58,000 जो कैश है वो सीज हुआ और इस सीजर को जो है आगे जो इलेक्शन कमीशन द्वारा गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीम और एसएसटी टीम है उनको हवाले किया गया और जो है एक्साइज एक्ट के भी जो है 6 केसेस जो है वो अलग अलग जो पुलिस स्टेशन है उसमें दर्ज हुए हैं, उनमें भी जो है 1,47,000 जो मिलीलीटर शराब है वो पकड़ी गई है। इन सभी केसेस में जो एक्साइज एक्ट के अंदर जो है एफआईआर हुई है और आगे जो है कार्रवाई की जाती है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी लखविंद्र राणा ने अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर प्रचार किया है। राणा ने कहा कि क्षेत्र के लोगों का भारी समर्थन उन्हें मिल रहा है और आने वाले समय में एक बार फिर से भाजपा की ही सरकार बनने वाली है। भाजपा सरकार ने क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिसका कि क्षेत्रवासियों को भरपूर फायदा भी मिल रहा है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आजाद प्रत्याशी पूरी तरह से फेल साबित होने वाले हैं। जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और हम चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार के तहत ही आज नालागढ़ जो हमारा शहर है जो बहुत महत्वपूर्ण है उसमें हम दुकान दुकान पर जाकर घर घर जाकर जो है उससे हम मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और हम चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार के तहत ही आज नालागढ़ जो हमारा शहर है जो बहुत महत्वपूर्ण है उसमें हम दुकान दुकान पर जाकर घर घर जाकर जो है उससे हम मतदान के लिए कह रहे हैं। बीजेपी के हाथ मजबूत हो और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो और जयराम ठाकुर जी के हाथ मजबूत हो, इसलिए हम जो है शहर में जो है घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छा समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, कमल के फूल को मिल रहा है और हमारे जो केंद्र के नेता हैं और जो देश और दुनिया में सबसे मशहूर हैं नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके नाम को और उनकी नीतियों के नाम को, उनके जो किए गए कार्य हैं उनके नाम को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाम को जो है सभी लोग जो है चाह रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा समर्थन जो लोगों का भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को मिला है।
विधायक और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज नाहन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा होगा भविष्य का हमारा नाहन विधानसभा क्षेत्र शीर्षक से नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी 5 वर्षों में किए जाने वाले विकास और जनसेवा के कार्यों का एक संकल्प पत्र जारी किया है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि उन्होंने पांच साल के कार्यकाल में नाहन विधानसभा क्षेत्र में विकास और जनसेवा के कार्यों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। 5 साल में हुए रिकॉर्ड कार्यों की बदौलत आज नाहन विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के अग्रणी विधानसभा क्षेत्र में शामिल हुआ है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हम नाहन क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जीवन की अंतिम सांसों तक जनता की सेवा करते रहेंगे। 2022 तक लगातार हमने नाहन विधानसभा क्षेत्र में अनेक प्रकार से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वह अभूतपूर्व। आज हम नाहन विधानसभा क्षेत्र अगले 5 साल में कैसा हो उसका एक छोटा सा विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आपके सामने आए। हमने जहां यहां पर अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य शुरू किया है, 300 करोड़ रुपए की लागत से वो भवन बन रहा है, स्वीकृत हो चुका है और क्राफ्ट विलेज एडीबी की फंडिंग के अंदर शामिल है। कोरोना के कारण उसके अंदर 1.5 साल की डिले है और आने वाले समय में हम न केवल क्राफ्ट विलेज बनाएंगे अपितु आईटी सेक्टर की दृष्टि से भी वहीं पर हम रोजगार का सृजन करेंगे। 25 करोड़ रुपए की लागत से हमारा ऑडिटोरियम का निर्माण बहुत तेज गति से और हिमाचल प्रदेश का बेस्ट विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार ही हिमाचल का दौरा कर रहे हैं। भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। नितिन गडकरी झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बरठी में पहुंचे जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार जीतराम कटवाल के पक्ष में जनता से वोट मांगा है और उसे वोट देने की अपील की है। वहीं बरठी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है, जिसके बाद जनता को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2 लाख करोड़ के बजट से भी सड़कों का निर्माण होने की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने पूर्व यूपीए सरकार के 75 साल के कार्यकाल की तुलना वर्तमान मोदी सरकार के कुल 10 साल के कार्यकाल से करते हुए कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ज्यादा विकास कार्य किया गया है। मैं काफी टनल बना रहा हूं, मैं 2 लाख करोड़ के रोड हिमाचल प्रदेश में बना रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि 47 के बाद जितना काम नहीं हुआ है वो 2014 से लेकर 2024 में इस 75 साल में जो 65 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 10 साल में उससे ज्यादा काम हिमाचल में होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। 1 साल पहले आया था, जो मैंने कहा वो मैंने पूरा किया। आज मैं आ रहा हूं, फिर से मार्च में आऊंगा, जितना ये जरूर मुझे बताना काम पूरा हुआ तो फिर आऊंगा, दोनों पुलों का उद्घाटन करूंगा, तीरपुर के रास्ते का उद्घाटन करूंगा और निश्चित रूप से आपने आज जो बताया उस काम का भी भूमि पूजन करूंगा। और भाइयों, आपने कमल पर मोहर लगाकर ये ताकत आपने हमको दी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ, जीतराम जी के साथ रखकर इस चुनाव में पिछले बार 5000 वोटों से आपने जिताया था। हमने पूरे वादे पूरे किए, अब 5000 से 3 गुना ज्यादा वोट देकर उनको जिताने की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और भाजपा का कैंपेन जोर शोर से चल रहा है। जयराम ठाकुर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कलियाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से उन्होंने अनौपचारिक बातचीत की और कहा कि चुनाव आयोग द्वारा गुजरात में भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि दोनों प्रदेश भाजपा के साथ हैं और दोनों ही प्रदेश भाजपा के साथ आगे बढ़ेंगे। हिमाचल और गुजरात दोनों जगह ही भाजपा की सरकार बनने का भी जयराम ठाकुर ने दावा किया है। आज हम इस चुनावी सभा में आपके बीच में हैं। मुझे लगता है कि बहुत बातें कहने की जरूरत नहीं है, लोग समझ गए हैं।
सरवीन चौधरी जी यहाँ जिक्र कर रहे थे, इस शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर सही मायने में अगर विकास की अगर बात कहें, ये 5 वर्ष का कार्यकाल इस विधानसभा क्षेत्र का ऐसा रहा है जो आज तक के पीछे के कार्यकाल में सबसे बेहतरीन विकास की दृष्टि से रहा है। और इसका सौभाग्य इन्होंने कहा कि मुझे ये काम करने का अवसर प्राप्त मिला, और मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मुझे शाहपुर इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आप सबकी समस्याओं के समाधान करने की दृष्टि से अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ, सरवीन जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसलिए एक नहीं बहुत सारी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे आने वाले समय में, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, आप सारी चीज़ों को समझते हैं। आज कांग्रेस के लोग हमको ये प्रश्न खड़ा करने की कोशिश जरूरत कर रहे हैं कि भाजपा ने क्यों, भाजपा को क्यों वोट देना है। मैं कहता हूं हम इसलिए वोट देना है। धारा 370 समाप्त होने की बात हुई तो कांग्रेस के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। धारा 370 समाप्त हो करके रही, हम आप सब लोग चश्मदीद गवाह बने उस सारे मंजर को देखने के लिए, विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ और हमारी आंखों के सामने धारा 370 समाप्त हुई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी बहुत जरूरी है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ऐसे मजबूत नेतृत्व को और मजबूती देने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट सदर विधानसभा की सीट बिलासपुर से, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह क्षेत्र है, चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। जेपी नड्डा के सुपुत्र समाजसेवी हरीश नड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये जनता को चुनना है कि विकास को वोट देना है या नशा माफिया को वोट देना है। उन्होंने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य उन्होंने करवाया है। इम्स अस्पताल, रेलवे प्रोजेक्ट, 4 लेन प्रोजेक्ट, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें कि लोगों को जमीनों का तो पैसा मिला है, इसके साथ ही क्षेत्र का विकास भी हुआ है और लोगों को रोजगार भी मिला है। चिंता करती है युवाओं के लिए, चाहे वो रोजगार मेले हो, चाहे बड़े बड़े एम्स जैसे प्रोजेक्ट हो, चाहे नशा से लड़ने के लिए एक नशा मुक्ति अभियान हो, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि युवाओं को आगे बढ़ा सकें। लेकिन बहुत गंभीरता और बहुत दुख के साथ हमें ये बोलना पड़ रहा है कि हम लोगों को नशे को हराना है, और इस चीज़ के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं, ये बिलासपुर की लड़ाई है, ये इस इलाके की लड़ाई है कि हमको युवाओं को बचाने के लिए एक अच्छी सोच वाली पार्टी को लाना है। इसलिए मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि कांग्रेस वाले जब उनके सामने आए तो उनसे सवाल पूछिए कि आपने आज तक हमारे लिए क्या सोचा है, और उनसे आप सवाल करिए, जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। हमारे पास बहुत कुछ है जो हमने युवाओं के लिए किया है, करना चाहते हैं, और जो सोचा है हम उसके बारे में युवाओं को बताते रहेंगे। लेकिन समय ये है कि लोग उनसे पूछें और वो सामने आके जवाब दें कि उन्होंने आज तक युवाओं के लिए क्या किया है और क्या करने की सोच रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुद्दा इस चुनाव में है, वो नड्डा जी द्वारा जो विकास बिलासपुर का पहल शुरू से 1993 से लेकर के 2022 तक जो विकास हुआ है, जो बिलासपुर उजड़ने के बाद पहली बार बसने का काम जो किया है अगर किसी व्यक्ति ने, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने बिलासपुर का 3 बार इसी सदर विधानसभा से प्रतिनिधित्व किया है, उन्हीं के समय में ये विकास हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंडियन न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।